दिन पर दिन सीएम सिटी में बढ़ रही वारदातों पर लगाम नहीं लग रही। आए दिन बड़ी से बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, जहां अब स्मार्ट सिटी क्राइम सिटी बनती नजर आ रही है। वहीं सीएम सिटी में क्राइम इस कदर बढ़ रहे हैं मानो उस पर लगाम लगा पाना बहुत ही मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं करनाल की, जहां पर आपको बता दें कि करनाल में सीएम हाउस के पास ही अब से कुछ दिन पहले भी एक व्यक्ति का शव मिला था। अभी उस वारदात को कुछ हफ्ते ही हुए हैं कि दूसरी घटना वहीं सीएम हाउस के नज़दीक करनाल अघि पार्क के बाहर एक बार फिर एक व्यक्ति की लाश मिली है। आपको बता दें कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। शरीर के निचले हिस्से पर चाकू से गोद कर मारने की संभावना है। मृतक की पहचान सुरेश नाम के शख्स के रूप में हुई है। सुरेश पेशे से प्लम्बर था। वह रात घर से 10 बजे गया था। उसका मोबाइल फोन भी गायब मिला। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बात करें सुरक्षा की, तो जहां सीएम हाउस के नज़दीक ही लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम शहर में लोग किसी तरह सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि पहले वाला मर्डर ट्रैश कर लिया जाए और दूसरे के बारे में छानबीन की जा रही है, जिसको ट्रेस करने के लिए भी पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है। मामला दोबारा फिर मर्डर हुआ है, आज फिर डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी मिली है अभी के बाद क्या? चाकू के निशान बता रहे हैं। नहीं, अभी एफएसएल टीम बताएगी क्या मैटर है। अच्छा, तो थोड़ा सा आया हुआ है, जो भी कार्रवाई। करनाल में यूं तो लाशें मिलने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों भी सीएम हाउस के नजदीक अघि पार्क में लाश मिली थी और अभी बीते रात को एक लाश और मिली है। शव की पहचान सुरेश नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है। सुरेश प्लम्बर था, जो कि बीती रात 10 बजे घर से निकला था। हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि शरीर के निचले हिस्से पर चाकू से गोदने की संभावना है और ऐसी घटनाओं से शहरवासी भी दहशत में नजर आ रहे हैं। सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ मैं निशा मंडान, समाचार एक्सप्रेस न्यूज, करनाल।